एसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट पैंट एंड शेरवानी, मोदी जैकेट, ब्रांडेड रेमंड, अरविंद एंड जे हेमस्टेड, रेड एंड टेलर शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, हजार खोली नियर आयशा नगर पोलिस स्टेशन मालेगाव। रोशन हुआ मालेगाव शहर का नाम हिंदुस्तान भर में। 41 यानी के 41 मुल्कों से ओमान में कुरान पाक की तिलावत का बेहतरीन नुमाइया कारगर्दगी अंजाम देने के लिए के कौन सबसे बेहतरीन कलाम पाक की तिलावत करता है, इस बात को लेकर 41 मुल्कों से ओमान के अंदर एक मुकाबला आराई का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें 41 मुल्कों से हाफिज़े कुरान बच्चियों को बुलाया गया था, जिसमें भारत से नुमाइंदगी करते हुए, हिंदुस्तान से नुमाइंदगी करते हुए मालेगांव शहर की तरन्नुम शेख इदरीस, जो भारत की ओर से, हिंदुस्तान की ओर से नुमाइंदगी करने के लिए और अपनी इस मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए उस जगह पहुंची थी, जो आज मालेगांव शहर में वापसी कर रही है, जिसमें वापसी पर मालेगांव शहर अपनी किस्मत पर नाज करते हुए एक आलीशान और शानदार इस्तकबाल मालेगांव शहर में तरन्नुम शेख इदरीस का किया जा रहा है। कलेक्शन एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड होजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखे, जमुहर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। तिरंगे झंडे के साथ में तरन्नुम शेख इदरीस का मालेगांव शहर के अंदर नाजी, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तरन्नुम शेख इदरीस महवी नगर, जो भारत की नुमाइंदगी करते हुए भारत के तिरंगे झंडे के साथ मालेगांव शहर में वापसी की है, जिसका यहां पर एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया तकरीब का इनकार किया गया। मालेगांव शहर के फूलों की बरसात, यहां पर महिलाओं की ओर से, माँ बहनों की ओर से, यहां पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए तरन्नुम शेख इदरीस ने महवी नगर से पूरे भारत की रहनुमाई करते हुए तशरीफ ले गई थी। महवी नगर की 6 हाफिजा कुरान लड़कियों ने तरन्नुम शेख का मालेगांव आने पर सबसे पहले इस्तकबाल किया, फूल हार किया, खुशामदीद किया, गुलदस्ते दिए और बहुत बहुत मुबारकबाद तरन्नुम शेख इदरीस को दी। तो वहीं तरन्नुम शेख इदरीस ने भी महवी नगर की एक हाफिजे कुरान हुई बच्ची को इस्तकबाल किया। ये सुनते तरन्नुम शेख को, आप भारत की तरफ से, पूरे भारत की नजरें आप पर थी, आप भारत की तरफ से गए, मालेगांव से आप गए, आपको वहाँ जाने के बाद कैसा लगा और भारत का झंडा जब दूसरे मुल्कों में लहराता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस हुआ है और जब झंडा लहराया है तो मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरे देश का नाम रोशन हुआ है।
और मैंने वहाँ पर बहुत फख्र के साथ अपने देश का नाम सुनी और हमारे मदरसे का नाम सुनी और हमारे वालदैन का नाम रोशन हुआ। ये बहुत बड़ी फख्र की बात है। आप पूरे देश की बेटियों से, बहनों से क्या अपील करना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए, कौन से पहलू से गुजारना चाहिए? मैं उनसे सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ, जो कि हमारे रहनुमा हजरत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब दामद बरकत उम्मुल आलिया ने हमें कहा था कि जो शख्स का रिश्ता कुरान शरीफ से जुड़ जाता है उसका रिश्ता अल्लाह ताला से जुड़ जाता है, और जिसका रिश्ता अल्लाह ताला से जुड़ जाता है उसका रिश्ता खाने काबा से जुड़ जाता है। मैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मेहनत करते रहिए, मेहनत के बाद कामयाबी ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कौन से मदरसे से पढ़े हैं? आप कौन से मदरसे पढ़े हैं? मैं मदरसा रियासत जन्नत में शुरू तक आखिरी तालीम हासिल की और इसके पीछे सबसे ज्यादा हमारे हजरत मौलाना हाफिज जमील साहब इशाती का शफकत है, मोहब्बत है। शेख इदरीस पर देखो फूलों की बारिश यहाँ पर की जा रही है, फूलों की बारिश के साथ फूलों के बौछारों के साथ यहाँ पर उसका सम्मान किया जा रहा है, उसका सम्मान किया जा रहा है, उसका सत्कार किया जा रहा है, और तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान शान है वो लहराया जा रहा है। तालिबा को वहाँ पीछे लेके जाइए, इसके जो वाली का मोहतरम है वो यहाँ पर स्टेज पर आ जाए, खवातीन के लिए रास्ते हैं वो पीछे चले जाए, उनसे मस्कुरात में चले जाए, वहाँ आपका इजाज़ होगा। उनके वाली साहब से दरखास्त है कि वो यहाँ तशरीफ रखें, भाई मस्कुरात को जाने के लिए रास्ता दे दें, थोड़ा सा आप लोग साइड में हो जाए, थोड़ा सा बाजू में हो जाए, रास्ता बता दो भाई थोड़ा सा जाने के लिए। लेडीज भाई थोड़ा सा आवाज सुना।